के पाक नारायक कलाम की आपने तलावत सुनी और नाथ शरीफ भी कारी साहब ने पढ़ी। मेरे ऐवान में इस वक्त आलम इस्लाम की तीन मरूफ मसरूफ अजीम आवाज़ें मौजूद हैं। थोड़ी थोड़ी हाजिरी क्योंकि हतम नबूवत कॉन्फ्रेंस है और जितना हतम नबूवत और नमूस रिसालत पे हजूर की ज़ाहरी हयात से लेके आज तक सनाहानों ने काम किया है, किसी ने भी नहीं किया। क्योंकि मेरे नबी ने अगर अपनी चादर अपनी कमली अता की तो फिर भी अपने सनाहान को अता की, अगर हजूर ने अपना मिंबर अता किया फिर भी अपने नाथान को अता किया। आका को हसान को आका ने मिंबर पे बिठाया, आका के सनाहानों की तौकीर बड़ी है, ये बड़ी शान बड़े मकाम वाले हैं। अल्लाह करीम इन सब को सलामत रखे। एक ऐलान समात फरमाइए और मैं बिला तखीर अपने भाई को दावत नात शरीफ दे रहा हूँ। इंशाल्लाह आज के हमारे मेहमान मुकर्रम बाबा जी कायदे मिल्लत इस्लामिया फख्रे मिल्लत इस्लामिया फनाफिर रसूल जनाब हजरत अलामा हाफिज हादम हुसैन साहब रिजवी रहमतुल्लाह अलैह आपके बड़े ही करीबी, जिनके आप पे सब पे उनकी आवाज़ सुनेंगे तो ऐसा एक ज़ोक तारीफ होगा कि आपको बाबा जी की याद इस तरह आएगी कि जैसे बाबा जी सामने बैठे हैं। इंशाअल्लाह वो तशरीफ ला चुके हैं। थोड़ी देर बाद इन सनहानों की हाजिरी के दौरान ही आप जलवा अफरोज होंगे और मेरी आप सबसे गुजारिश है, एक गुजारिश करके मैं दावत नात शरीफ दे रहा हूं क्योंकि वक्त बड़ा कलील है हमारे पास, कि हजरत साहब का जब ऐलान होना है कि आप तशरीफ ला रहे हैं, कोई बुजुर्ग है फिर भी, कोई बच्चा है फिर भी, कोई जवान है तो जवानों को बिलखसूस दावत दे रहा हूं, कोई एक भी बंदा यहां पे बैठेगा नहीं, आप खड़े होके उस अजीम शख्सियत का इस्तकबाल करके आलम कुफर को ये बताएंगे जो किबला कायदे मिल्लत इस्लामिया की वफात पर जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं हमारी जान छूट गई, उनको बताना है एक हादम रिजवी ने जाहिरी तौर पे पर्दा फरमाया है, हजारों हादम रिजवी पैदा हो। और आज की ये महफिल बिलखसूस किबला कायदे मिल्लत इस्लामिया फनाफिर रसूल जनाब शेखुल हदीस व तफसीर अलामा हाफिज हादम हुसैन रिजवी जो हमारे कायद हैं उनके याद में, और साथ आज 16 दिसंबर का दिन है, पाकिस्तान की तारीख का वो स्या दिन 16 दिसंबर 2014 को जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई उसमें हमारे मासूम फूलों के साथ जो जुल्म हुआ, हमने उन दहशतगर्दों को उन इंतहा पसंदों को दीन के और पाकिस्तान के और इस्लाम के दुश्मनों को भी पैगाम दे रहे हैं कि हम उन फूलों को कभी भूलेंगे नहीं, इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक और आखिरी सांस तक हम अपने नबी की इज्जत का भी दफा करेंगे और अपने पाकिस्तान की हिफाजत भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं बिना तखीर आपकी मोहब्बत में आपके नारों की गूंज में दावत नात शरीफ दे रहा हूँ। आलम इस्लाम के अजीम सनाहान इंटरनेशनल शोहरत याफ्ता कई मुल्कों में हजूर की मदा सराई करने आप तशरीफ ले गए, मेरी मुराद शहजादा सैफ अल मलूक जनाब भाई नबील हुसैन कादरी साहब, नारा लगाइए और इस्तकबाल फरमाइए, नारा तकबीर एक आ चुकी है क्योंकि साढ़ा ईमान है अल्लाह एक एक हाथ तां चुकी है भाई अल्लाह उन्हें एक हाथ चुको चुको जरा सारे बहाओ हाथ कैमरे वाले भी घुमाओ जी देखो किने नहीं बाहर कटे हाथ नाराए तकबीर ते दोवे हाथ चुक के आखी दे या रसूल अल्लाह असि सारे कुर्बान चुको जरा दोवे हाथ नाराए रिसाल नाराए रिसाल अली का नाम सुन के अब भी मुड़कर काम उठता है, नाराए हैदरी नाराए हैदरी अजमत शाने मुस्तफा जा हो।
جلال مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ।